हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट दिसंबर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। आप सभी को पता होगा 6 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाएं कि हमारा क्लियर हो जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब क्या करें हम, तो देखो जो आपको आता है वो आपको पढ़ना है, जो नहीं आता है अभी तक आपने उसको छुआ नहीं है, पिछले सालों की प्रिपरेशन में भी आपने उन यूनिट को नहीं देखा है नहीं छुआ है, तो उनको छोड़ दीजिए। पेपर वन कंपैरेटिवली इजी है, पेपर टू कंपैरेटिवली टफ। पहला काम क्या करना है आपको कि लास्ट ईयर के जो भी आपके कट ऑफ गए हैं, है ना, जो भी कट ऑफ गया है उसको नोट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, तो उसको आपको रख लेना है, कट ऑफ निकाल के रख लेना है। ठीक है, मतलब आपके पास में एक टारगेट हो गया कि मुझे इतने नंबर तो चाहिए चाहिए। अब क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप एक किसी भी चैनल से जुड़े हुए हैं उसके वीडियो लेसन्स आपको देखने हैं। दूसरा काम करना है क्वेश्चन बैंक, बुक नहीं, क्वेश्चन बैंक आपके पास जरूर होना चाहिए, लास्ट ईयर के जिनमें पेपर्स हों और उसके आंसर्स हों एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी भाषा में। आपकी हिंदी भाषा है तो आप हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, मराठी और गुजराती जो भी लैंग्वेज से आप कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज की, है ना, सब भाषाओं में अवेलेबल होती है। तो आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न हों पिछले सालों के, जिससे कि आपको प्रैक्टिस मिल जाए। MCQ आपको सॉल्व करनी है, PYQ सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट लास्ट 3 साल की तो आपको करने ही करने हैं। अगली बात आ जाती है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने, इसका बहुत बार मैंने बताया, सारे ऑप्शंस के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है और उसके नोट्स आपको बनाने हैं। फटाफट फटाफट एक लाइन में लिखते जाओ, जैसे समझा रहे हो ना, जैसे आप सपोज अपने भाई को समझा रहे हो तो जिस भाषा में आप समझाओगे ना वैसा लिख लो, खुद जाके जब आप रिवाइज करोगे ना तब आपको समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है, देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आपको ये देखना है कि इसका उपयोग कहाँ किस कॉन्सेप्ट को समझने में किया जाता है, उसको आपको समझ लेना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो क्या उपयोग होगा किसी कॉन्सेप्ट का, कहाँ पे इसका उपयोग होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अपने दिमाग के घोड़ों को इस तरह से दौड़ाएं कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है उसको देखना है। ठीक है, उतना भी ज़्यादा आपके पास समय नहीं है तो पिछले साल जो पेपर आए हैं ना, पिछले सालों के क्वेश्चन, वो आपको कर लेना है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन से किसी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैचलो कॉलम होता है, क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में दिए रहते हैं, 5 ऑप्शन यहाँ पे 5 यहाँ पे, उसके बाद फिर ABCD में ऑप्शन दिया रहता है कि कौन कौन से किससे मैच कर रहे हैं, कौन सा कॉलम किसके साथ में मैच कर रहा है, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो वो वाले पेपर, वो क्वेश्चन में क्या होता है कि समय भी ज़्यादा लगता है, कई बार हमें समझ में नहीं आते हैं। अब रीजनिंग हो गया, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, वर्बल रीजनिंग हो जाता है, इनमें भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमें पढ़ने में ही समय लगता है। कॉम्प्रिहेंशन ऐसा होता है पेपर वन में जिसमें हमें पढ़ने में उसमें ज़्यादा समय लगता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो है 5 क्वेश्चन देगा, तो उसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लो, अगर वो सही हो गए तो सीधे सीधे 5 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन के नंबर आपको मिल रहे हैं। अगला बात है वन लाइनर प्रश्न बहुत सारे आते हैं, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं ना वन लाइन में समझें, ये किसने किया था, ये कहाँ पर हुआ था, ये कब हुआ था, किस तरह से हुआ था, किस इसके पीछे कौन जिम्मेदार था, ये नहीं कि आप कथा कहानी जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, सिर्फ वन लाइन में आंसर्स लिखिए, वन लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न जो आ रहे हैं वो उपयोगिता किस इस कॉन्सेप्ट की कहाँ पर है, इससे संबंधित आ रहे हैं, तो वैसे ही आपको तैयार करनी है। और एलिमिनेशन तकनीक को आपको अपनाना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि सपोज करते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए है, एक है जैसे, और इसके ऑप्शन है ABCD, है ना। अब मालूम है मुझे आंसर नहीं पता है क्या है, लेकिन इतना जब हम पढ़ लेते हैं ना तो थोड़ा सा तो हमारा दिमाग चलने लगता है ना कि भाई इसका ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, इतना तो हमें समझ में आ जाता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग इस तरह से चलाना है कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये ए और बी में से बी नहीं होगा, ए ही सही होगा। इस तरह से एलिमिनेट करना है क्वेश्चन के ऑप्शन को कि ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये इन दोनों में है तो ये वाला क्यों होगा, ये तो थोड़ा सा लॉजिकल माइंड आपको चलाना है। अब एक और बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखो CVT मोड में एग्जाम होना है तो हमें कंप्यूटर पे ही तैयारी अपनी करनी है।
कंप्यूटर पे तैयारी करनी है तो कंप्यूटर को पढ़ने की, कंप्यूटर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की हमको हैबिट करनी डालनी है अपनी। तो क्या किया जाए, तो देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के अभ्यास पोर्टल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप सीधे, मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, तो आप NTA की साइट पर चले जाइए, वहाँ पर मॉक टेस्ट वाले कॉलम पर आप चले जाइए, तो आपको बिल्कुल वैसा ही स्क्रीन मिल जाएगा जैसा स्क्रीन होता है किसमें, आपके पेपर में, वैसा स्क्रीन वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तो भाई आप ऐसा करें, फटाफट फटाफट अपनी प्रिपरेशन करें और मॉक टेस्ट को लगाएं। इससे दो फायदे होंगे, पहला तो ये हो जाएगा कि इतनी देर आप एक सिटिंग में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहकर क्वेश्चंस को पढ़ सकेंगे, पढ़ने की आदत आपकी बन जाएगी और अपना आपको समझ में भी आ जाएगा कि भाई मेरा लेवल कहाँ पर है, कितना स्तर है। तो पहले दिन आपका बहुत लो जाएगा, फिर दूसरे दिनों, और अपने साथ में ईमानदारी रखनी है, अपने साथ में आपको बेईमानी नहीं करनी है कि नहीं आज दो ही क्वेश्चन किए, फिर कल तीन कर लिए, पांच, ऐसा नहीं। उसमें बाकायदा घड़ी भी चलती रहती है, जिस तरीके की घड़ी आपकी एक्चुअल पेपर में चलती रहेगी, तो उस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी। फ्री है ये, कोई शुल्क नहीं है इसमें, ये बिल्कुल फ्री है। तो ऐसी जगह जाने से बेहतर है कि आपको ये टेस्टिंग का जो मटेरियल है वो मिल रहा है, वो टेस्टिंग मटेरियल मिल रहा है, 1100 रुपये का मिल रहा है, 1500 का मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है, तो इनमें जाने से बेहतर है कि भाई जो चीज़ है हमारे पास वो दो महीने के समय में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कर सकते हैं, हमको पेपर भी मिल रहा है, अपना पेपर वन की भी टेस्ट मिल रहा है, पेपर जो आपका पेपर टू है चाहे जो भी सब्जेक्ट हो उसके भी मिल रहा है, तो उसमें प्रैक्टिस करें, है ना। कैसे करना है मॉक टेस्ट में, अगर कहीं पे भी दिक्कत आती ना, आप नहीं कर पा रहे हैं स्टार्ट, तो मुझे बताना, तो मैं एक अलग से सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए वीडियो बना दूंगी कि कैसे आपको जाना है, कैसे देखना है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आज के वीडियो में, मेरा सिर्फ यही था आपको समझाने का कि ये स्ट्रैटेजी है, इसको अपनाना है, इस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। जिन्होंने फर्स्ट इस वक्त आप पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप समझ लीजिए आपके पास में, चलो आगे कई सारे चांस आएंगे, लेकिन जो लोग कई बार दे चुके हैं, अभी जून का भी एग्ज़ाम दिया था, कुछ थोड़े से नंबर से आप रह गए हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको ये जान लीजिए जिस भी यूनिट को आप बहुत अच्छे से आप समझते हैं, बहुत अच्छे से आपने पहले भी कर रखी थी, उस यूनिट पे ही आपको ज़्यादा जोर देना है। जो नहीं है, जिसको आपने पिछली बार भी टच नहीं किया था, अभी भी उसको टच नहीं करना, उसको छोड़ देना है, ताकि हमें ऐसा नहीं है हमें ऑल इंडिया लेवल पे हमें टॉप करना है, हमें भाई इतने नंबर चाहिए कि हमारा जो मेरिट बनेगी ना उसमें नाम आ जाए, मेरिट बन जाए, नाम आ जाए, लेक्चरशिप के लिए चाहे JRF के लिए हम क्वालिफाई कर जाएँ, जिससे भाई हमारे पास नेट का सर्टिफिकेट आ जाए, कल की तारीख में गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें लगा दें, नहीं निकलती है तो प्राइवेट किसी कॉलेज में एटलीस्ट लेक्चरशिप के लिए हम लग जाएँ, तो हमारे पास कुछ अर्निंग तो आने लगे। मेन टारगेट तो अपना भाई पैसे कमाने का ही होता है, जो भी हमने पढ़ा है उसके थ्रू, तो उस सभी के लिए ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। आपको नेट क्वालिफाई करना है, पहली रैंक पे नहीं आना है कि हमको पूरा सारा चीज़ें आपको याद पढ़ना हो, याद करना हो, तो इस सोच को लेकर आपको अपनी तैयारी करनी है। आई होप कि मैंने आपको जो भी समझाया है वो समझ में आया होगा, बहुत ही जैसे बात की जाती है उसी भाषा में मैंने आपको समझाया, और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो नंबर फ्लैश लगातार मैं करती रहती हूँ, उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, जो भी पास मेरे पास मटेरियल है फ्री है, कोई शुल्क नहीं है, वो मैं सेंड करती रहती हूँ ग्रुप में, तो वो आप तक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, तो टेलीग्राम पे जो भी मटेरियल जो मैं पढ़ाती हूँ उसको मैं शेयर कर देती हूँ PDF के फॉर्म में, वो आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी जो वीडियोज़ हैं पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारे पूरा पेपर वन मैंने पढ़ा रखा है, और पेपर टू एजुकेशन की काफ़ी सारे वीडियोस हैं सारे यूनिट्स के, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, फ्री में आपको कंटेंट अवेलेबल हो रहा है, तो आप उसे पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, दूसरों के साथ शेयर करें, और जो मटेरियल आपको चाहिए अगर मैंने PDF नहीं शेयर किया होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फिर से शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगी, जहाँ आप बोलेंगे वहाँ कर दूँगी, बस आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है, और आपको कोई चार्ज तो इसके लिए चाहिए ही नहीं है, देना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मुझे आपसे करनी थी, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाला एग्जाम आप क्लियर कर पाएं। मेरे सबसे सभी को ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।